नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही न्यूज चैनल ट्रस्टेड न्यूज में। दोस्तों, नीट देने वालों के लिए अच्छी खबर। अब नीट में 17% लाने वाले भी बनेंगे डॉक्टर। कट ऑफ मार्क्स गिरने से मिलेगा MBBS में एडमिशन। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोमवार 4 जून को नीट 2018 के रिजल्ट घोषित किए। देश भर में चिकित्सा और दंत चिकित्सा कॉलेजों में दाखिले के लिए यह प्रवेश परीक्षा होती है। 720 में से 119 अंक पाने वाले भी बनेंगे डॉक्टर। कुल 13,26,725 अभ्यर्थियों ने 6 मई को आयोजित राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट दी थी। इस बार की MBBS में एडमिशन के लिए कट ऑफ मार्क्स काफी कम गए हैं, जिससे अब परीक्षा में 17% लाने वालों को भी MBBS में एडमिशन मिल जाएगा। 17% फिर भी मिलेगा एडमिशन। में प्रकाशित खबर के मुताबिक अनारक्षित वर्ग के लिए इस बार MBBS के लिए कट ऑफ मार्क्स 720 में से 119 है। ये कट ऑफ पिछले साल 131 था। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए ये कट ऑफ 720 में से मात्र 96 नंबर है, जो पिछले साल 107 था। नीट परसेंटाइल सिस्टम के हिसाब से इन अंकों का प्रतिशत निकाला जाए तो उसके मुताबिक इस साल 17% लाने वाले भी डॉक्टर बनेंगे। अलग है नीट का परसेंटाइल सिस्टम। पिछले साल 720 में से 180 या उससे कम नंबर लाने वाले करीब 4,300 छात्रों को MBBS में एडमिशन मिल गया था। 180 नंबर पाने का अर्थ है कि छात्र ने करीब 40% सही उत्तर दिए हैं। यूं तो 720 में से 180 का प्रतिशत 25 होता है, लेकिन नीट के परसेंटाइल सिस्टम के हिसाब से साल 2017 में 180 नंबर का अर्थ था कि छात्र ने करीब 64% तक स्कोर किए हैं। वहीं 270 अंक 80% के बराबर थे। एडमिशन के लिए 50% की आवश्यकता थी। ऐसे में पिछले साल 11,114 छात्र जिनके 270 या उससे कम नंबर थे MBBS कोर्स में एडमिशन पाने में कामयाब रहे। हालांकि इसमें से ज्यादातर कॉलेज प्राइवेट थे। इस बार जिस छात्र ने 119 अंक पाए हैं, इसका अर्थ है कि उसने कुल 180 सवालों में से करीब 33% उत्तर सही दिए हैं। नीट स्कीम के तहत हर सही उत्तर के 4 अंक होते हैं, वहीं गलत उत्तर का एक नेगेटिव नंबर होता है। इस हिसाब से यदि किसी ने 180 में से 60 सवालों के उत्तर सही दिए हैं, उसे 240 पॉजिटिव नंबर और 120 नेगेटिव मार्क्स मिले हैं। इसके मुताबिक छात्र को कम से कम 720 में से 120 नंबर तो मिलेंगे ही। ये नंबर अनारक्षित वर्ग को MBBS में एडमिशन दिलाने के लिए काफी है। इसी तरह आरक्षित वर्ग में 55 उत्तर सही देने वालों को 96 अंक मिले और वे भी MBBS में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए।